नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों ये अपने लिए बना रहे थे नुस्खा, लेकिन आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मेरे दोस्तों के पास मैं शेयर क्यों ना हो जाए कि उनको भी जानकारी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये है संतरे का छिलका, बहुत लोग खाते हैं संतरा लेकिन इसके छिलके के बारे में नहीं जानते हैं और इनके गुणों के बारे में उनको कुछ नहीं पता रहता है, वो फेंक देते हैं। तो यही मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो एक मिनट की है लेकिन ज़रूर देखिएगा, एक से डेढ़ मिनट की होने वाली है, देखिएगा तो आपको बहुत ही फायदेमंद होगी। दोस्तों इस छिलके को क्या करना है कि धूप में पहले सुखा लेना है, थोड़ा थोड़ा सुखा लेना है कि इसमें का जो ऊपर जो है छिलके के ऊपर कीटाणु होता है वो मर जाता है। उसके बाद में जो ये छिलका है उसको अच्छी तरह से देखिए ये पूरा अच्छे से निकाल देना है। और इसको क्या, अगर आपको पार लगे तो इतना सा छिलका रोज क्या कीजिएगा कि सिलवटे पे, जिस पे मसाला नहीं पीसी जाती है उस सिलवेट पे यानी पत्थल पे इसको पीस लेना है। मिक्सी में पीसेंगे तो ये ज़्यादा डालेंगे तब तो मिक्सी में इसकी बारीक पिसाई होगी, लेकिन अगर मिक्सी में भी पीसना चाहते हैं तो इसको इतना सा पीस सकते हैं, या इसको पूरा सुखा दीजिए। और पूरा सुखा करके, ये कम सुखा है लेकिन इसको पूरा सुखा दीजिएगा तो चुरचुरी की तरह हो जाएगा। और इसको उखली में कूट करके एक शीशी में रख दीजिए। और रखने के बाद में ये औरत लोगों को जब भी मुंह में स्क्रीन पे यानी दाग धब्बे हो जाती है, चेहरे की झाइयाँ, तरह तरह की बीमारियाँ ये नष्ट कर देता है, इसमें इतना गुण पाया जाता है। तो इसको कैसे लगाना है, इसको मसल करके पूरा चटनी की तरह बना लेना है और ये स्क्रीन पे पूरा आस्ते आस्ते ऐसे ऐसे देखिए ऐसे ऐसे मसाज करना है, यानी मुंह में मसाज करना है। मुंह में अगर मसाज करेंगे तो आपको दाग धब्बे और हाथ पांव में भी कभी कभी हो जाती है दाग धब्बे, तो उसको भी ये नष्ट कर देता है, इसमें इतना गुण पाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी वीडियो की जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि एक से दो मिनट की वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बना देगी। तो चलिए इस वीडियो को अंत करता हूँ। माता दुर्गा जी हरदम हर वक्त आपके घर में खुशहाल की जो भंडार है वो भरती ही रहे। थैंक यू दोस्तों।